सो हे गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू ड्रिंकिंग वीडियो। और आज हम लोग पोर्ट वाइन ट्राई करने जा रहे हैं। हाँ भाई, मैंने पहले भी इसको ट्राई किया, लेकिन आज से 3-4 साल पहले। तब इसके इतना मार्केट नहीं था, प्राइस भी काफ़ी कम थे, तो लोगों में ऐसा था कि ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आजकल लोग भाई इसको पागलों जैसे ट्राई कर रहे हैं। तो मुझे तो लगा कि यार कुछ तो चेंजेस आया होगा, लोगों का इतना फेवरेट बन चुका है। अब मुझे मैसेज भी आए 2-3 लोगों के कि भाई पोर्ट वाइन 1000 ट्राई करो। और मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी 2 वाइन के ऊपर वीडियो बनाया है, और काफ़ी अच्छा है, चला भी है भाई, तुम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है। तो देखते हैं, क्यों नहीं 2 या 3 वीडियोस मैंने बनाया था। मुझे अब ठीक से याद नहीं, इतने सारे वीडियोस बना रहा हूँ आजकल, और तुम लोगों का इतना प्यार है भाई, क्या ही बोलना है। तो आज का रिव्यू शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो तुमको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट्स गो। भाई आज जो वाइन हम लोग ट्राई करने वाले हैं वो है द पोर्ट वाइन 1000। बोतल प्लास्टिक का है, लेकिन काफ़ी ओल्ड फैशन है। तुम देख के बोल सकते हो कि ये बोतल का शेप काफ़ी ओल्ड फैशन है। तो बोतल में तो कोई चेंजेस नहीं आया है, तब भी सेम ही ऐसा ही बोतल था, यही कलर था आज से 3 साल पहले, और अब भी वही है। तो लेकिन प्राइस में काफ़ी डिफरेंसेस है भाई। ये 370 रुपीज़ का है, अभी 370 रुपीज़ का 750 ml का बोतल है। पहले ये 300 रुपये का आता था, उससे भी पहले 280 रुपीज़ में मिलता था। तो प्राइजेस में तो काफ़ी चेंजेस आया है, अब देखते हैं कि टेस्ट में कितना चेंजेस आया है। लेट्स गो। सो इसे पोर करते हैं। भाई मुझे अभी थोड़ा सा ना मतलब डर लग रहा है, क्योंकि वाइन है एक हाथ में और मैंने वाइट टी शर्ट पहना है, तो भाई गिर ना जाए। तो बस ट्राई करने के लिए इतना काफ़ी होगा। भाई स्मेल तो काफ़ी अच्छा है, स्मेल तो पहले इतना अच्छा स्मेल नहीं आता था, ऐसे 3 साल पहले मैंने जब ट्राई किया था, अब उतना याद तो नहीं है, लेकिन स्मेल तब बहुत स्ट्रांग होता था। अब एक मतलब स्मूथनेस है यार, काफ़ी स्मूथनेस है, एक अच्छा फ्लेवर का जो सेंट होता है ना, थोड़ा सॉफ्टनेस, ऐसा नहीं है कि हिट कर रहा है नाक में, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अच्छा है। जितना ऐसे राउंड ऐसे तुम करोगे, सर्कल में घुमाओगे ऐसे, तो तुम स्मेल और अच्छा कर पाओगे। क्या स्मेल है यार, टेस्ट करते हैं। बहुत चेंजेस है, बहुत बहुत बड़ा चेंज है भाई। ओह माय गॉड, क्या स्मूथ है, टेस्ट में कमाल का है, कमाल का, मतलब इतना अच्छा फ्लेवर्स है। अब एक पहले एक स्ट्रांगनेस था, पहले एक गंध आता था जो काफ़ी स्ट्रांग था, जो स्मेल था वो भी काफ़ी स्ट्रांग था, जीभ में भी काफ़ी हिट होता था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसमें अल्कोहल परसेंटेज लाइक 13% है, 13% अल्कोहल है, और भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। पहले आई गेस आज से 3-4 साल पहले, तब भी 13 था या 15 था, मुझे याद नहीं, मुझे लगता है 15 था, अब मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को पता है तो तुम चेक करके बोल सकते हो। मुझे लगता है कि अल्कोहल परसेंटेज पहले से थोड़ा सा इन लोगों ने रिड्यूस किया है, इसीलिए इतना स्मूथनेस भी बढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है। अब तब कोई मेरा चैनल नहीं था, तो मैंने उतना ध्यान नहीं देता था, ठीक है, कुछ भी पीते हुए आए थे अच्छा लगता था, पी लेता था। लेकिन अभी कुछ भी पीता हूँ तो पहले तो सोचता हूँ कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि नहीं, जोक तो मेरे ऊपर है। लेकिन अब अच्छा लगता है, लवली भाई, कमाल का यार, बहुत चेंजेस है। मतलब प्राइस 70 या 80 रुपीज़ बढ़ा है, लेकिन चेंजेस मतलब बहुत बढ़ गया, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी क्लियर है। अब माउथ में लग नहीं रहा, पहले ऐसा होता था ना कि जीभ में लगता था, ऐसा एक सेंट आता था, मुंह से एक स्मेल भी आता था, तो वो कोई इजीली समझ में आ जाता था कि यार पोर्ट वाइन पिया होगा या थोड़ा चीप वाइन पिया होगा। लेकिन अब तो लाइक कोई नहीं बता सकता भाई, लवली, नाइस, चीयर्स। भाई कलर में भी बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि एक कलर भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब वाइन आप ट्राई कर रहे हो। तो कलर अगर थोड़ा लाइक डीप है तो वो अच्छा वाइन माना जाता है, कि वो अगर डीप कलर, एक चेरी कलर,
ला रहा है तो वो काफ़ी अच्छा है। और उसमें उतना लाइट कलर, एक लाइट कलर है, उतना डीप कलर नहीं है, उतना शाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा बबल्स है, तो उसे कम दामी माना जाता है। लेकिन इसमें ना कोई बबल्स फॉर्म हुआ, तुम देख सकते हो ग्लास, तो मैंने अभी पिक्चर खींचा तुम लोग के लिए, तो तुम देख सकते हो क्लियरली। अगर वीडियो में नहीं देख पा रहे थे तो अब मैंने क्लियर फोटो डाल दिया है, तुम देख सकते हो यार कोई बबल्स नहीं है, कलर काफ़ी डीप है। यू कैन मतलब इमेजिन कितना फ़र्क आया 3-4 साल में। बहुत अच्छा है, मैं तो कहूँगा ज़रूर ट्राई करो यार, लवली है, बहुत अच्छा है। एक अच्छा खासा बस भी है, अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और काफ़ी मूड तो मतलब वाइन है और क्या ही बोलना है, लव। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तुमको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही था, होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। और तुम्हारा जो भी अगर क्वेश्चन है मुझसे पूछना चाहते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे जाके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा।